सही से चाबी नहीं डल रही है, कितनी ध्यान से डाल रहा है। हो गई ए बेटे। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं शिवा सिपाल और आप देख रहे हैं सिपाल व्लॉग्स। तो मैं जैसे बोल रहा था, आज हम जा रहे हैं दोबारा गेड़िया लगाने। तो पहले मैं जाता हूं प्रभात के वहां, वहां से हमें पिकअप करना है मोहित और अभिषेक को। उसके बाद देखते हैं हमें कहां जाना है कहां नहीं। उसके बाद चलो पहले मिलते हैं तुम्हें प्रभात के वहां। बढ़िया भाई बढ़िया। तो हमने गाड़ी रखी है कुछ किलोमीटर दूर, तो अभी हम जा रहे हैं वहां पे, तब आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे ना, प्लॉट वाला है। हाँ जा रहे हो गाइस हमें छोड़ के, अब आपको पीछे बैठने की आदत लग गई उस दिन की तरह। अब आप ये सोच रहे होगे हमने घर से इतनी दूर क्यों रखी गाड़ी, क्योंकि रास्ता वहाँ पे खराब हो रखा था, फोर व्हीलर जा नहीं सकती, मतलब आज टू व्हीलर भी नहीं जा सकती, इसलिए गाड़ी हमने दूर रख रखी है। बाकी अभी चलते हैं क्या अमाउंट लिट्रा की छुट्टी। आज एक घंटे की पिड़की है देख लो। ये क्या जाम लग गया भाई, दिमाग खराब यहाँ पे आधे घंटे से। एक एक तो दो गाड़ी फंसी हुई है, एक स्कूल की वैन है और एक वो गाड़ी जा रही है। शिवा भाई ड्राइविंग पे आओ यार। ना ना भाई 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 अब हुआ, बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी भी निकली, तो अब चलते हैं। ट्रैफिक मुक्ति केंद्र हो चुके हैं। मत दिखा साले, देखने लायक नहीं रहेंगे हम। हम तेलपुर पहुँच चुके हैं, जाना है यूआईटी। मैंने बताया नहीं, अभी हम यूआईटी से अभिषेक और मोहित को उठाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे कहीं। भाई आज का मौसम आप देख सकते हैं कितना ठंडा हो रहा है, बिल्कुल प्यारा वाला भाई। इसे ये देखो, धूप इतनी भरी धूप में इसे ठंडी लग रही है। भाई कहाँ से आया तुम भाई? हमें पॉजिटिव वाला इंडिया सुना है, इसको गर्मी में सर्दी लगती है, सर्दी में गर्मी। अब हम जाएंगे इस तरफ, ये शॉर्टकट है प्रेम नगर के लिए। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर चौक, अब यहां से हमें जाना है प्रेम नगर की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रेम नगर, अब हमें जाना है यूआईटी की तरफ, तब उन दोनों को उठाना है। पहुंच गए हैं प्रेम नगर के तिराहे पे, अब उससे आगे जा रहे हैं, बस 5-10 मिनट है यूआईटी पहुंचने में। अरे 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 और तू साइड में मत जा, उसके स्कूटी समझ के उसके बगल में भगा रहा कहीं। तो हम पहुंचने वाले यूआईटी, बट उनने बोला हम 12:30 बजे आएंगे, और हम कर रहे हैं ना उनका वेट। उनने कहा था 12:30 बजे आएंगे और अभी बज रहे हैं 12, तो अभी उन्हें कॉल करते हैं। अभी तो ठंडा मेरे को भी हो रहा है भाई, क्योंकि गरम एसी खोल, गरम एसी चला। हम छाव में बैठे हैं, छाव में। और तो ये हम तब से रुके हुए, टाइम कितना हुआ? 12:10 हो गए, पर ये 10 मिनट ऐसे लगे कि ये घंटा हो गया भाई, वो आ ही नहीं रहे। अभी 20 मिनट और रुकना है, तब उसके बाद 12:30 में वो बाहर आएंगे। वैसे भी कॉल किया तो पिक नहीं कर रहा, शायद लेक्चर चल रहा होगा, तो परेशान हो गए हम यार बैठ बैठ के। पर ये है कि हम छाव में तो है, कम से कम धूप में तो नहीं है, नहीं तो भाई धूप बहुत गर्मी हो रही है, धूप गर्मी हो रही है, मतलब गर्मी हो रही है। तो गाइस वो लोग आ रहे, आने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम दोनों ने सीट को नीचे बेंड करके थोड़ा आराम करने की सोची है, क्योंकि उन्हें लगेगा टाइम आने में थोड़ा आराम करते हैं। कैसे आगे कुछ नहीं दिखेगा, यूं चला दूंगा गाड़ी। क्यों, क्या हो गया इससे भाई? पता लगेगा ना, अपनी स्पीड पता लगेगी भाई। जब रास्ता ही नहीं दिखेगा तो साले चलाएगा कैसे भाई? चला वो देख, शीशे में देख के चलाऊंगा, पीछे दिखेगी तो। ये कहना चाह रहा है कि मैं लेटे लेटे गाड़ी चलाऊंगा, साले खुद भी मरेगा और हमें भी मराएगा भाई। पीछे की रोड दिख रही है भाई, यहाँ पे छाव भी बहुत अच्छी है और हवा भी अच्छी चल रही है और नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। तो 20 मिनट के लिए हम सोते हैं, तब मोहित लोग का इंतजार करते हैं। A few moments later. तो finally guys 12:30 हो चुके हैं, तो अभी उनको करते हैं कॉल, तो वो देख पूछते कब आते हैं। तो आपको कैसा लगा उनका वेट करते करते? इतना वेट में अभी लड़की के लिए नहीं करता है, लड़की के लिए ना कर इतना वेट। चलो उनको कॉल करते हैं, फिर वो आते होंगे। कोई नहीं रिया, सही से एक चाबी नहीं डल रही है, कितनी ध्यान से डाल रहा है। हो गई ए बेटे। हाँ भाई अंदर आ।
तो फाइनली जिनका वेट कर रहे थे वो आ चुके हैं। मजा आया पढ़ के ब्रो? अबे ब्लॉग मत दिखा, वो ब्लॉग खोल। तू है गवार। मैं तेरे 150 रुपए की गरीबी दिखा रहा हूँ ना भाई। घर तक जाना है, क्यों डलाऊ मेरी गाड़ी? वही तो क्यों डर रहा है? 150 रुपए तक घर ही जाना है। तू पीछे क्यों ले रहा है? बिना साइलेंसर के गाड़ी कैसे चला रहा? हाय, गाड़ी का साइलेंसर पीछे छूट गया। बिना पैदल चल रहे भाई, पागल है क्या? पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हाथ में गियर को देखना अलग हो रहा है दोनों।